हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज हम इस वीडियो लेसन में सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके लिए जो अपकमिंग एग्जाम है एसबीआई क्लर्क प्री 2018 उसके लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवेज की कर रहे हैं ये उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जिसमें सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज लगता है। सिंपल इंटरेस्ट को अगर अपने एसआई कहें तो इसका ये हमेशा सिंपल इंटरेस्ट जो है ये सिर्फ मूलधन पे लगता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। मतलब अगर 2 साल के लिए आपने सिंपल इंटरेस्ट पे कोई 1000 रुपए लिए हैं और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो जो ब्याज आपके पहले साल लगा वो ही दूसरे साल लगेगा, वही साल तीसरे लगेगा, चौथे लगेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि ब्याज सिर्फ मूलधन पे लगना है। जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे ही आपका जब भी कंपाउंडिंग है उसकी, अगर हाफ ईयरली है तो 6 महीने बाद ही ब्याज के ऊपर ब्याज शुरू हो गया, अगर ईयरली है तो 1 साल पहले साल का जो ब्याज है, 1 साल का ब्याज सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट ईयर हुई तो उसमें जो ब्याज प्लस प्रिंसिपल पे कंपाउंड इंटरेस्ट में लगेगा और सिंपल में सिर्फ मूलधन पे लगेगा। तो अगर आपने 10,000 रुपए 10 साल के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट पे लिए हैं तो जो आपकी पहले साल था ब्याज वो ही 10वें साल है, वो ही 8वें साल है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट का अपने इसका फॉर्मूला अगर आपने देखें तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है किसी भी अमाउंट पे, पी गुणा टी गुणा आर। इसके अंदर अगर मैं इसको एक बार मिटा दूं तो पी क्या होता है? पी होता है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल जो अमाउंट आपने लोन पे ली है, प्रिंसिपल अमाउंट पी हो गया। टी जितने टाइम पीरियड के लिए लिया है, टाइम पीरियड हो गया, और आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो ये पीटीआर, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और अगर आपको मैं ब्याज जो है वो रकम निकालनी है कि ब्याज सहित रकम कितनी बनी, तो उसके लिए अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी, तो पी प्रिंसिपल आपने लिया था, पी तो प्रिंसिपल हो गया, और फिर पी गुणा टी गुणा आर, और आर परसेंटेज में है तो ये आपका आर बटा 100 आ जाएगा अमाउंट निकालेंगे तो, और ये भी ऐसा ही भी आपका पीटीआर बटे 100 हो जाएगा क्योंकि आर हमेशा आपकी परसेंटेज में। तो जब भी आप इसको अमाउंट निकालेंगे तो आर जैसे 10% है तो आपको 10/100 से गुणा करना, परसेंटेज इसलिए 100 से डिवाइड होगा। तो पीटीआर अगर आप इसको पी को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1+ TR, TR/100, ये आपकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। सिर्फ ब्याज होगा PTR/100 और टोटल अमाउंट में ब्याज हो जाएगी पी, और जुड़ जाएगा पी 1+TR/100। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, हालांकि अपने तो बाकी किसी फॉर्मूले का अपने यूज नहीं करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या है, हाउ मच टाइम विल टेक इट फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹900 टू इल्ड ₹81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्या क्या दे दिया, अमाउंट हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹900 टू इल्ड ₹81, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट आपका 81 है, प्रिंसिपल आपका 900 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दे दिया 4.5% पर एनम, और आपसे पूछा क्या टाइम कितना चाहिए इसके लिए। तो आप जो भी था सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पीटीआर बटे 100, तो सिंपल इंटरेस्ट तो आपका 81 आ गया, 81 इज इक्वल टू पी, पी आपका है 900 गुणा टी आपको निकालना है, और आर हो गया 4.5/100, तो 4.5% है इसलिए अमाउंट को में कन्वर्ट करेंगे तो 4.5/100 हो गया। तो आप इसको देखिए 9 से ये 2 सिफर ऊपर से कट गई आपकी, और 9981, और ये t इज इक्वल टू क्या हो गया 9/4, तो 4.5 × 2 तो ये हो गया आपका 2 साल, तो 2 साल का पीरियड आपका आ गया, तो 2 साल आप देख लियो, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट रूपीज 815 इन 3 ईयर्स एंड 854 इन 4 ईयर्स द सम इज।
तो ए सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज, कोई भी एक प्रिंसिपल है एक्स, वो 815 प्लेस ने क्या दिया है कि 815 तीन साल में बनता है और चौथे साल में 854 बन जाता है, मतलब एक साल का ब्याज कितना हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस, और वो हर साल वही ब्याज वही होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं बोलूं इसको, तो इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया इसका, जो चार साल वाली अमाउंट है 854 माइनस 815 इज इक्वल टू 39, तो 39 रुपए पर ईयर इसका ब्याज है। द सम इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर थ्री इयर्स एंड द सम इज, तो सम कितनी है, तो आप इनमें से 815 में से 39 गुणा 3 घटा दें या 854 में से 4 घटा दें, अगर तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या हो गया, जो आपका मिश्रधन है 854 और इसमें से ब्याज घटा दीजिए, 854 माइनस ब्याज कितना हो गया, चार साल में बनता है 854, तो 4 गुणा जो उसका पर ईयर ब्याज है 39, तो 854 माइनस 4 गुणा 39 को 40 को 4 से करो, 40 चौके 160 में से वापिस 4 घटा दो, तो 854 माइनस 156, तो 854 में से 156 घटाएंगे तो 698, तो 698 रुपए आपका मूल धन है। तो इसमें देख लो 698 कहाँ है, डी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। वो छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, आपको इसने दे दिया कि भाई ब्याज इसमें सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हर साल एक जैसा होगा, तो वो इसने कहा कि जो मिश्र धन है वो तीन साल बाद 815 बन गया, तो 854 बना चार साल बाद में, तो इन दोनों का डिफरेंस है वो पर ईयर ब्याज है। अब 815 में से माइनस 815 माइनस 3 गुना 39 कर दो या 854 माइनस 4 गुना 39 कर दो, वही आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 13,900 डिवाइडेड इन टू डिफरेंट स्कीम ए एंड बी एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट 14% एंड 11% रेस्पेक्टिवली। मतलब इसने कोई जो भी एक अमाउंट है वो राम इन्वेस्ट 13,900 टोटल अमाउंट है और दो डिफरेंट स्कीम ए और बी में, तो प्रिंसिपल ऑफ ए अगर मैं ए का मान लूं कि ए स्कीम में इसने एक्स लगाया है, तो बी में कितना लगाएगा, टोटल 13,900 है तो बी में लगाएगा 13,900 माइनस एक्स, एक्स तो लगा चुका तो इसमें 13,900 माइनस एक्स, तो ये पीए और पीबी आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% पीए की क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ए की आपकी आ रही है 14% पर एनम, और बी की रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बी स्कीम की क्या है 11% पर एनम। अब वो क्या दे रहा है, स्कीम एंड बी दी सिंपल इंटरेस्ट इफ द टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न इन टू ईयर्स, टाइम इसके लिए भी दो साल है दोनों का, ए के साथ लगाया हर एक के साथ वो विड्रॉवल है, टाइम ऑफ ए और टाइम ऑफ बी दोनों का ही दो साल है। अर्नेस्ट अर्न इज 350208, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको दे दिया इसने, टोटल सिंपल इंटरेस्ट एस ए और एस बी, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बी, ये इसने दे दिया 3508 दो साल में। तो क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अगर आप देखोगे 3508 को अगर इक्वल करेंगे आप, तो पीटीआर पी एक्स गुणा टी कितना है दो साल गुणा आर कितना है 14%, तो 14/100 ये बना, प्लस बी स्कीम से कितना आएगा पी कितना है 13,900 माइनस एक्स और गुणा दो और गुणा 11% है, तो गुणा 11 और बटा 100, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट ऑफ स्कीम ए और सिंपल इंटरेस्ट ऑफ स्कीम बी आ गया, ये पूरा 3508 के इक्वल है। तो आप और आगे इसको करोगे तो 3508 इज इक्वल टू, इसमें क्या कॉमन आ सकता है वो निकाल लो, 2/100 अगर इसमें कॉमन आ रहा है तो 2/100 इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, 2/100 इसमें से निकालेंगे तो 2/100 निकल गए, ये तो बच गया 14x और यहाँ क्या बच गया 14x प्लस, यहाँ अगर 2/100 निकल गया तो यहाँ क्या बचा 11, तो यहाँ 11 अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 0 = 11, हालांकि 9 × 11 = 33, 9 = 42 को 4, 11 × 11 = 15, तो ये आ गया 152,900 माइनस 11x। अब इसको आगे आप करेंगे तो 2/100 और यहां बच गया 14x में से 11x गया 3x प्लस
152,900 और ये है 3508। तो अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू के लिए आप इसको 3508 गुणा 100 और बटा 2 और माइनस 152,900 इजिकल टू 3x। तो अगर इसको आप काटेंगे 3508 को, अगर आप इससे काटना चाहें तो 3508 का आधा कितना हो गया 1754। तो और इसके आगे दो सिफर लगेगी तो 1,75,400 और ये 1,52,900, इन दोनों को घटाएंगे तो ये कितना आ गया 22,500। तो 22,500 बटा 3 इजिकल टू एक्स। तो अगर 3 से मैं इसको काटूं, 3 7 21 और 3 5 15 7500, तो एक्स की वैल्यू आ गई 7500। और आपसे बी स्कीम की पूछी है, तो ये तो एक्स तो ए का है, तो बी स्कीम का प्रिंसिपल कितना आ गया 13,900 माइनस 7500। तो 13,900 में से 13 में 7 गए 6 और ये 6,400 6,400 रुपए। तो 6,400 रुपए इसमें देख लो, ऑप्शन ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सम ऑफ मनी इज डबल इन 12 ईयर्स। ए डबल इन 12 ईयर्स, देन आपसे क्या पूछा है, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल ट्रिपल, मतलब 3 गुना कब होगी। डबल ये हो जाती है 12 साल में। अब 12 साल में डबल हो जाती है, इसका क्या मतलब हुआ कि प्रिंसिपल प्लस एक प्रिंसिपल और जुड़ गया। अगर इसमें से प्रिंसिपल घटा दें तो सिंगल ही रहेगी। तो एक तरह से क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू क्या बन गया, प्रिंसिपल के बराबर बन गया। और ये होता कितना है, पी गुणा टी गुणा आर बटे एन रेट। अब वो क्या कह रहा है इसमें, पी मतलब पी इजिकल टू पी गुणा टाइम कितना है, ये सम इन 12 ईयर्स, टाइम रख दो 12, आर बटे 100, पी से पी कैंसिल आउट हो गया और आर आपका आ गया 100/12%। तो 100/12% आपका पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब वो कह रहे इट विल ट्रिपल एट एसआई, तो 3 गुना कब होगा, तो 3 गुने के लिए क्या हो जाएगा, इसमें 3 गुने के टाइम में ब्याज इसका 2p हो गया, 3p बना, तो p तो मूलधन था तो 2p ब्याज हो गया। तो अगर मैं 2p इज इक्वल टू, अगर आप इसको रखें पी गुणा टी, टी आपका निकालना है और गुणा आर, आर आपका 100/12 और बटा 100, तो ये 100 से 100 कट गया आपका और पी से पी कट गया और टी इज इक्वल टू आपका आ गया 24 साल। तो ये 24 ईयर्स आपका आ गया इसमें। एक ये फर्स्ट है, सेकंड इसका एक तरीका और हो सकता है, एक छोटा सा वो है फॉर्मूला, हालांकि मैं बहुत आपको एडवाइज नहीं करूंगा लेकिन फिर भी आप इसमें करना चाहें तो ये एक फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, आर टी इज इक्वल टू 100 एम माइनस 1 एम, इसमें वो है जितने गुना हुआ, एम 4 मल्टीपल है कितने टाइम्स वो हुआ, बाकी वही है रेट ऑफ इंटरेस्ट है टाइम है। तो जैसे 2 गुना हुआ, तो 2 गुना हुआ तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आर गुना, जैसे पहले 12 साल में ये 2 गुना हुआ तो 2 माइनस 1, तो आपका आर क्या आ गया, वो ही 100/12% आ गया। और फिर आप दोबारा आपको क्या चाहिए, इसको 3 गुना करना है, तो 3 गुने के लिए क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 100/12 आप इसमें रख दीजिए, टाइम आपको निकालना है और 100 और 3 गुना करना है, तो 3 माइनस 1, अगर इसमें 3 गुने के लिए 3 माइनस 1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 100 गुणा 2 और यहां ये आ गया 100/12 गुणा टी, तो 100 से 100 कट गया तो 12 दूनी 24, ये यहां भी 24 साल इससे भी आ गया। ये छोटा सा फार्मूला है, तो आप इस फॉर्मूले को याद करना चाहें तो याद कर लें और नहीं करना चाहें तो इसमें कोई खास ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सिर्फ इससे अपने बेसिक जो है इसका कॉन्सेप्ट उस पे रह के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। भाई सिंपल इंटरेस्ट है, पी इज इक्वल टू पी टी आर बटे 100 होता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका दूसरा तरीका था। फॉर्मूले में भी आर टी 100 एम माइनस 1 अगर आप याद रख सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था जिसमें 4 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए सिंपल इंटरेस्ट के। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पे जाके प्लीज कमेंट जरूर करें। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।